निकलने नहीं दे रहा मुझे। सर ये पहली बार नहीं हो रहा है, हाथरस में भी हमने देखा था आपकी गाड़ी रोकी गई थी एक्सप्रेस वे पे, उसके बाद आप पैदल गए थे प्रियंका जी के साथ, ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन। ये दिखाओ ना, ये सीन दिखाओ ना थोड़ा अच्छी तरह। ये देखिए, ये है यूपी सरकार का परमिशन, देखिए जरा इधर, ये परमिशन देखिए। आपको लगता है क्लियर डायरेक्शन है कि आपको रोका जाए एयरपोर्ट पे ही और किसी और रास्ते से लेके जाया जाए कहीं और? नहीं, वो तो सामने रोका हुआ है भाई, मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो जी। तो ये है परमिशन यूपी सरकार की। श्वेता आप देख सकते हैं किस तरीके से। तो राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, आपको बता दें तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनको अब आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि उनका प्रोग्राम था कि वो लखीमपुर जाएंगे, वो भी लखनऊ एयरपोर्ट से होते हुए सीतापुर, और सीतापुर से प्रियंका गांधी वाड्रा जिनको रिहा कर दिया गया है, इससे पहले उन्होंने भी कोशिश की थी लखीमपुर जाने की, लेकिन वहां से उनको लेते हुए वो आगे लखीमपुर जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो खबर सामने आ रही है, जो तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, वो आपको बता दें कि राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच जरूर गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनको अब यहां से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और लखनऊ एयरपोर्ट से अरुण इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, आखिर राहुल गांधी का ऐसा क्यों कहना है कि यहां से आगे उनको नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि अब वो आराम से लखीमपुर पहुंच सकते हैं? किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है लखनऊ एयरपोर्ट में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट बताऊं, राहुल गांधी अंदर ही हैं, वीवीआईपी लाउंज में थे, वहां प्रशासन के साथ उनकी बातचीत हो रही थी। पहले तो इस बात पर बात नहीं बन पा रही थी, राहुल गांधी चाहते थे कि यहां से वो प्रियंका गांधी को सीतापुर लेने जाएं, उनके साथ लखीमपुर खीरी जाएं। पहले इस बात पर प्रशासन राजी नहीं था और कह रहा था कि आप सीधे लखीमपुर खीरी चलिए, हम रास्ते में प्रियंका गांधी को ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि आपसे मुलाकात हो जाएगी और दोनों साथ जाइएगा। उसके बाद प्रशासन ने कहा राहुल गांधी को, आपको हमारी गाड़ी में बैठ के जाना होगा, यानी कि वो जहाँ चाहेंगे ले जाएंगे। राहुल गांधी अपने मन के मुताबिक कहीं नहीं जा सकते थे, इस बात पर भी भिड़ंत हो गई प्रशासन और राहुल गांधी के बीच। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनका जो कारकेट लगा हुआ है, अपने कारकेट से जाएंगे, वो जहां चाहेंगे वहां जाएंगे। इस बीच मैं तस्वीरें दिखाऊं, कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं वहां इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर स्टेलमेट बना हुआ है, दोनों के बीच गतिरोध बना हुआ है। अखिलेश सिंह प्रवक्ता हमारे साथ हैं यूपी कांग्रेस के। अखिलेश जी, किस बात पर बहस चली, क्यों नहीं आ रहे राहुल गांधी? प्रशासन कह रहा है कि आप मेरी गाड़ी में चलें, जबकि उनकी कारकेट तैयार है, उनकी जो अपनी पार्टी कार लगती है उसमें जाना चाहते हैं। प्रशासन क्यों अपने साथ ले जाना चाहता है? प्रशासन का काम है सिक्योरिटी प्रदत्त करना, उनकी जो गाड़ी है उससे जाने को तैयार है, प्रशासन के सारे जो परमिशन दिए हैं उसके अनुसार जाने को तैयार है। डर क्या है प्रशासन को, आपको क्या लगता है क्यों कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी में चलिए? ये प्रशासन जिद क्यों कर रहा है? प्रशासन की पूरी सुरक्षा में जा रहे हैं, प्रशासन जो परमिशन दिया है उसमें जो टर्म्स कंडीशन है उसके अनुरूप जा रहे हैं। देखिए अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहे हैं कि जो टर्म कंडीशन, जो बातें कही थी प्रशासन ने, राहुल गांधी ने मानी है, लेकिन उनकी गाड़ी में क्यों जाएंगे? इस बीच तस्वीरें मैं आपको जरा एक बार दिखाऊं, सुरक्षा अमला किस तरह से तैनात है यहाँ पर, सिक्योरिटी की जबरदस्त बंदोबस्त है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात है, गाड़ियां लग चुकी हैं। एक घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया जब राहुल गांधी लैंड करने के बाद यहाँ पर प्रशासन के साथ बहस कर रहे हैं, उनके साथ उनकी बातचीत चल रही है। कोशिश ये कर रहे हैं राहुल गांधी कि वो प्रियंका गांधी के साथ लखीमपुर जाएं, अपनी गाड़ी में जाएं, जबकि प्रशासन कह रहा है कि आपको हमारी गाड़ी में चलना होगा और प्रियंका गांधी रास्ते में आपसे मिल जाएंगी। तो कुल मिलाकर के गतिरोध की वजह यही है और राहुल गांधी एयरपोर्ट से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। एक तरह से सांकेतिक धरने पर वो एयरपोर्ट के अंदर ही बैठ गए हैं। फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो लखनऊ का है, उसके बाहर की तस्वीरें आप देखिए। सुरक्षा अमला तैनात है, सिक्योरिटी फोर्स तैनात है, कांग्रेस के कार्यकर्ता नारे लगा के लगभग थक चुके हैं, अब नारा बंद कर दिया उन्होंने, राहुल गांधी के इंतजार कर। हाँ, आज गरीब मजदूर किसान का नेता राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, बिल्कुल अरुण, यानी कि वहां पर कार्यकर्ता अभी भी जमावड़ा बनाए हुए हैं। और लखनऊ एयरपोर्ट इस वक्त मैं जहां खड़ी हूं वो है लखनऊ विधानसभा, यहां से कुछ ही दूरी पर लखनऊ एयरपोर्ट भी है जहां पर राहुल गांधी इस वक्त वहां पहुंचे हुए हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि उनको रोका जा रहा है, आगे यहां से लखीमपुर जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये शर्त रखी गई है कि वो प्रशासन की ही गाड़ी में आगे जाएंगे। लेकिन इस बीच लखीमपुर में अब तक क्या कुछ हुआ इसकी जानकारी दी खुद ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। इस पूरे प्रकरण में शांति व्यवस्था बनी रही, स्थानीय प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से लोगों के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया था। अब वहाँ पर लोगों को 5-5 के ग्रुप में
जाने की अनुमति दे दी गई है। अब जो भी व्यक्ति जाना चाहें वो वहाँ जा सकते हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य सिर्फ शांति व्यवस्था हर हालत में बनाए रखने की है तथा किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्ट करने की मंशा नहीं है। जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही किए गए थे। और लखीमपुर मामले पर जमकर राजनीति हो रही है और कुछ ही देर पहले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस दौरान उन्होंने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा और राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि वो भ्रमजाल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या कुछ कहा सुनिए। राहुल गांधी जी ने पोस्टमार्टम के ऊपर सवाल उठा दिए। आज मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं, इज मिस्टर राहुल गांधी या मेडिकल एक्सपर्ट? वो फॉरेंसिक मेडिकल एक्सपर्ट है क्या राहुल गांधी? डिड ही कंडक्ट द पोस्टमार्टम? तो पोस्टमार्टम पे अगर किसी ने सवाल नहीं उठाए, किसी ने इस पर उंगली नहीं उठाई, तो हु इज मिस्टर राहुल गांधी टू क्वेश्चन द एक्सपर्ट बॉडीज ओपिनियन? एक एक्सपर्ट बॉडी है जिन्होंने इसी विषय पर अध्ययन किया हुआ है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने कंक्लूजन को दिया है एक साइंटिफिक प्रोसेस के बाद। उस विषय पर भ्रम फैला देना और कहीं ना कहीं इस विषय पे एक अशांत वातावरण बन जाए उसके लिए प्रयास करना, यह आज स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिख रहा था। राहुल गांधी जी ने पुनः वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया, इररेस्पॉन्सिबिलिटी। Irresponsibility has become the second name of Mr. Rahul Gandhi. गैर जिम्मेदाराना रवैया, अधैर्यपूर्ण रवैया, अशांति को भंग करना और भ्रम फैलाना, यही राहुल गांधी जी का मुख्य ध्येय और मुख्य उद्देश्य रह गया है। हिंसा ना फैले, शांति बनी रहे, यही भारतीय जनता पार्टी और मुझे लगता है जो लोग भी जिम्मेदार हैं यही उनका कर्तव्य है।